गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए बेटा, आज मैं आप लोग को प्रोस का चैप्टर 6 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है माई चाइल्डहुड, मेरा बचपन। ओके, इस चैप्टर को लिखा है, देख पा रहे होंगे आप लोग, APJ अब्दुल कलाम जी ने। ठीक है ना, हु इज़ ही, ये हमारे फार्मर इंडियन प्रेसिडेंट थे। ठीक है ना, रिसेंटली इनकी डेथ हो गई थी, और ये इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म हुआ था रामेश्वरम में। ओके, अग्नि जैसी कई मिसाइल इन्होंने बनाई, और यहाँ तक कि भारत को परमाणु बम, एटम बम जो होता है, वो भी दिलाने में कई सफलता हासिल करी। विज्ञान के क्षेत्र में भारत को बहुत ऊँचे तक ले गए, बहुत ऊपर ले गए। ओके, तो APJ अब्दुल कलाम जी ने एक बुक लिखी थी, जिसका नाम था, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, तो इस बुक का एक छोटा सा पार्ट है ये कहानी, माई चाइल्डहुड। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आईलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द इस्टवेल मद्रास स्टेट। कि मेरा जन्म जो हुआ था वो एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था, यानी कि तमिलनाडु में, इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। अगर आप देखेंगे तमिलनाडु का मैप, अगर आप उठा के देखें, तो वहाँ पे पास में ही एक जगह पड़ती है रामेश्वरम। ठीक है ना, तो रामेश्वरम में जो है तमिल फैमिली में एक जो मिडिल क्लास फैमिली थी, जहाँ पर APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था, तो वो बता रहे हैं कि आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली, कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ था। कहाँ पर? रामेश्वरम में, इन द एस्टवेल मद्रास स्टेट। देखिए यहाँ पे एस्टवेल का मीन्स होता है पूर्व। ठीक ना, जिसका पूर्व नेम क्या था, पहला नाम, पहले उसका क्या नाम था, रामेश्वरम नाम नहीं था, क्या नाम पड़ा हुआ था वहाँ पे, मद्रास स्टेट। यानी तमिलनाडु को क्या बोला जाता था, मद्रास स्टेट बोला जाता था। जब इनका जन्म हुआ था तब की बात बता रहे हैं, आज के समय पे तो तमिलनाडु बोला ही जाता है। इस वेलकम इज पहले, माई फादर जैनुल आबदीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। मेरे जो पिताजी थे, जिनका नाम जैनुल आबदीन था, वो ना तो बहुत ज़्यादा एजुकेशन से, मतलब बहुत, ना तो उनके पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन थी, बहुत ज़्यादा शिक्षित थे, नॉर मच वेल्थ, और ना ही उनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ था, यानी धन था। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेज, इन कमियों के बावजूद, ही पॉजिस्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट। इन कमियों के बावजूद उनके अंदर एक जन्मजात, इनेट मिस होता है बेटा जन्मजात, इन कमियों के बावजूद उनके अंदर एक जन्मजात विजडम यानी बुद्धिमता थी, एंड अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट। जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट का मिस होता है, बहुत ज़्यादा जनरस थे, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड थे, तो वो बहुत ज़्यादा एजुकेशन वाले नहीं थे, बहुत ज़्यादा वेल्दी नहीं थे, उसके बावजूद भी, इन कमियों के बावजूद भी उनके अंदर जन्मजात बुद्धि थी, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे उनके पिताजी, और बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड थे, लोगों की हेल्प करते थे। ही हैड एन आइडल हेल्प मेड इन माई मदर। क्या लिखा है यहाँ पे, आशियम्मा। इनकी माँ का नाम क्या था, आशियम्मा था, और जो एक क्या थी, एक आइडल हेल्प मेड थी। ठीक है ना, आइडल हेल्पमेट का मीन्स होता है जो आपका हर वर्क में साथ दे। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल सी फेड एवरी डे। मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता लोगों की, कि वह जो है हर दिन उनके लिए खाना बनाती थी। ये फीड का ही बना हुआ है, सॉरी फूड का बना हुआ है, तो फूड मीन्स तो खाना होता है, वो नाउन होता है, यहाँ पे फेड आया है, फेड जो है वो एक वर्ब है। तो वो मेरी माँ क्या करती थी, प्रत्येक दिन जो है वो कई सारे लोगों को, जिनका मैं एग्जैक्ट नंबर भी नहीं बता सकता, उनके लिए खाना बनाती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन मैं बिल्कुल निश्चित था
that ki far more outsider ate with us than all the members of our family put together. और मैं बिल्कुल निश्चित था कि वो जो बाहर के आउटसाइडर लोग होते थे वो हमारे जो फैमिली मेंबर्स थे उनसे कहीं ज़्यादा थे. मतलब जितने हमारे फैमिली मेंबर्स थे उससे कहीं ज़्यादा बाहर के लोग आके खाना खा जाते थे और मेरी माँ उनके लिए खाना बनाती थी. फिर यहाँ पे देखिए लिखा है आई वॉज़ वन ऑफ माई चिल्ड्रन. मैं जो हूँ सभी बच्चों में से एक था. कैसा था? अब अपने बारे में बता रहे हैं APJ अब्दुल कलाम जी. अ शॉर्ट बॉय, मैं छोटा लड़का था, मतलब हाइट में कम था. विद रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड बुक लुक्स. अनडिस्टिंग्विश्ड मीन्स होता है नॉर्मल. ओके, तो मैं एक छोटा सा लड़का था, नॉर्मल सा मेरा लुक था. बॉर्न टॉल हैंडसम पेरेंट्स. जबकि मेरे जो पिताजी, मतलब मेरे पिता माता, वो कैसे थे? वो टॉल थे, लंबे थे, हैंडसम थे. मैं उनके साथ उनके घर में जन्म लिया था. लेकिन मैं कैसा था? शॉर्ट बॉय था. वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस. हम जो है एक कहाँ पे जन्म मेरा जन्म कहाँ हुआ था? एंसेस्ट्रल, सॉरी, हम लिखा है वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस कि हम कहाँ पर रहते थे? अपने एंसेस्ट्रल यानी अपने पूर्वजों के घर में रहते थे. विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th century. जो विच वॉज बिल्ड इन द मिडिल ऑफ द 19th century. जो कब बना था? 19th century में बनाया गया था. इट वॉज़ अ वेरी लार्ज पक्का हाउस. और ये घर कैसा था? एकदम पक्का हाउस था. पक्का हाउस जानते हैं जिसमें ब्रिक्स का यूज़ किया जाता है, सीमेंट वीमेंट यूज़ की जाती है. तो उस ज़माने में भी ये पक्का हाउस था मेरा घर. मेड ऑफ लाइम स्टोन आर एंड ब्रिक. और किस चीज़ से बना हुआ था? लाइम स्टोन यानी चूना, चूने से बना हुआ था. एंड ब्रिक्स और जो है ईंटों से बना हुआ था. ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम. रामेश्वरम की मॉस्क्यू स्ट्रीट. तो इनका घर जो है पक्का था, लाइम स्टोन और ब्रिक का बना हुआ था और रामेश्वरम की मॉस्क्यू स्ट्रीट में स्थित था. लेकिन इनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी जितना कि वो बहुत ज़्यादा अमीर थे, ऐसे नहीं थे वो लोग. बस क्या, हेल्पफुल बहुत ज़्यादा थे, इसलिए लोगों को बाहरी लोगों को भी खाना खिलाते थे. However, all necessities were provided. Sorry, यहाँ से छूट गया है. My austere father used to avoid all essential comfort and luxuries. मेरे जो austere father, मतलब मेरे जो normal से, austere means होता है normal. मेरे जो normal से जो मेरे पिताजी थे, used to avoid. वो हमेशा avoid किया करते थे क्या चीज़? जितनी भी इन essential comfort and luxuries. जितनी भी आराम वाली, जितनी भी सुविधाजनक वाली जो इन एसेंशियल चीज़ें यानी अनावश्यक चीज़ें हैं, उनको अवॉइड किया करते थे. हावेयर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइड फॉर इन टर्म ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लॉथ्स. इन फैक्ट, हाँ, ये ज़रूर है कि वो हम लोगों के जितनी भी नेसेसिटीज़ होती थी यानी जितनी भी आवश्यक चीज़ें होती थी वो हम लोग को प्रोवाइड कराते थे. जैसे खाना को लोग को देते थे, दवाइयाँ देते थे और क्लॉथ्स यानी कि कपड़े देते थे. इन फैक्ट आई वुड से, अब यहाँ से यहाँ तक की लाइन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सुन लीजिए. इन फैक्ट आई वुड से माइंड वॉज वेरी सिक्योर चाइल्ड. कि वो कहते हैं कि इन फैक्ट मेरा जो बचपन था वो बहुत ज़्यादा सिक्योर था, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली. मटेरियली मिस होता है चीज़ों से, मतलब थिंग्स. तो मतलब मुझे हर एक चीज़ भी मिल जाती थी जब मैं छोटा था. तो जब मेरे माता पिता जो थे तो मुझे जो है हर एक चीज़ भी मिल जाती थी और मैं इमोशनली भी पूरी तरीके से सिक्योर था. यानी कि फीलिंग, इमोशनली का मीन्स होता है फीलिंग. और फीलिंग यानी मुझे प्यार भी मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा उनके पेरेंट्स से मिल जाता था. तो यहाँ पर जो है ये लाइन कहने का मीनिंग ये है कि जो APJ अब्दुल कलाम जी हैं वो अपने माता पिता को थैंक्स बोल रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि उनकी कमी होने के बावजूद घर में बहुत ज़्यादा इतनी अमीरी नहीं थी, मिडिल क्लास के लोग थे. फिर भी जो है APJ अब्दुल कलाम जी जो हैं वो थैंक्स दे रहे हैं अपने माता पिता को. वो कह रहे हैं कि मटेरियल और इमोशनली हम जो है सिक्योर थे अपने बचपन में. यानी उनका बचपन अच्छा था, मतलब वो दोष नहीं डाल रहे हैं अपने माता पिता के ऊपर, ठीक है ना. जबकि उनका बचपन काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों में बीता था, फिर भी उन्होंने दोष नहीं डाला है. यहाँ से हम लोग को सीखना चाहिए APJ अब्दुल कलाम जी से कि
हमारे माता पिताजी जो होते हैं वो चाहे जैसे भी पैसे कमाते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन हमें जो है उनके प्रति जो है थैंकफुल होना चाहिए, उन्हें थैंक्स बोलना चाहिए कि वो हमें पढ़ा लिखा रहे हैं कैसे भी करके और हमारे सभी सपने पूरे कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके आगे का हम लोग पार्ट कल पढ़ेंगे। ओके, गुड डे।